हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल। मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट एनी डाटा फ्रॉम SAP एंड कन्वर्ट इन एक्सपोर्ट फाइल इन एक्सेल। तो बहुत सारे SAP यूजर को ये इशू आ रहा है होता रहता है कि जो उनको ये होता है कि जो हम ट्रांजेक्शन कोड तो यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी डाटा SAP से कैसे हम एक्सपोर्ट करें और उस डाटा को फिर एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसी लेके मैंने आज का वीडियो बनाया है जो उनको इस चीज़ से, हमारे वीडियो से हेल्प मिले। तो इसमें सबसे पहला जो SAP से जो है डाटा एक्सपोर्ट करने के लिए और उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी प्रोसेस का कोई भी रिपोर्ट हो या कोई भी आपको स्टेटमेंट करना है या कोई आपको डाटा कोई भी एक्सपोर्ट करना है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको उसका ट्रांजेक्शन कोड देना है, उसको डाटा को डिस्प्ले करना है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, मैक्सिमम जगह यही होता है। तो आपको सबसे पहला काम है वो ट्रांजेक्शन कोड डालिए, उसके बाद उस डाटा को डिस्प्ले कीजिए, और डिस्प्ले करने के बाद वहाँ ऊपर में एक मेनू होता है जो लिस्ट करके लिखा रहता है, उस लिस्ट में जाना है, फिर लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट में जाना है, और एक्सपोर्ट में जाके फिर आपको क्लिक करेंगे तो फिर एक छोटा मेनू आएगा आपके स्क्रीन पे जिसमें आपको एक्सेल फॉर्मेट में, HTML में, वो 4-5 फॉर्मेट में रहते हैं, जो फॉर्मेट में आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर वो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद। तो ये तो कॉन्सेप्ट है जो आप हर जगह इसी तरह से यूज करेंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि जो कैसे करते हैं। जैसे हम अब इनवॉइस रिपोर्ट है, अब हम इनवॉइस रिपोर्ट को जो है सो सबसे पहले हम डिस्प्ले करते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे और फिर कन्वर्ट करेंगे। तो इसको डबल क्लिक कर दिए इनवॉइस रिपोर्ट को। अब यहाँ पे आपको बिल डेट दे दिए कब से के रिपोर्ट चाहिए, तो हमने दे दिया 1 जून 2020 से 24 जून तक। फिर आपको कस्टमर कोड देना है कि कौन सा कस्टमर का निकालना है, डिस्प्ले करना है, फिर कंपनी कोड दे दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। ये देखिए हमारा डाटा डिस्प्ले हो गया। अब डिस्प्ले करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो हमें एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट में जाना है, तो लिस्ट में हम गए। फिर सेकंड क्या करना है, एक्सपोर्ट में जाना है। फिर आपको किस चीज़ में जाना है, स्प्रेड शीट में या वर्ड में या लोकल फाइल, जिसमें चाहेंगे उसमें कर सकते हैं। तो हम जैसे स्प्रेड शीट में ले लिए, तो स्प्रेड शीट पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। ऑलरेडी एक्सेल फॉर्मेट में ये आया हुआ है, सेलेक्ट होके अब यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ये देखिए आप अपने सुविधा अनुसार इसको सेव कर सकते हैं, सेव, अलाउ, अलाउ। ये देखिए आपका एक्सेल फाइल में ये कन्वर्ट होके आ गया आपके स्क्रीन पे। ये देखिए एक तो आप देख लिए कि आप एक्सेल फॉर्मेट में जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, वही सेम चीज़ हमने एक्सपोर्ट किया फिर उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया। अब फिर दूसरा दिखाते हैं, फिर बैक करते हैं। अब जैसे हमें GL अकाउंट लाइन आइटम को पहले डिस्प्ले करना है, फिर इसको एक्सपोर्ट करना है और फिर उसको कन्वर्ट करना है, ये तीन काम करना है। तो या तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए या आप ट्रांजेक्शन कोड भी लिख सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया FBL3N GL के लिए आ गया। यहाँ पे आपको जो GL का निकालना है वो GL का कोड देना है, हमने ये कोड दे दिया। अब आपको जो है सो GL कोड देने के बाद कंपनी कोड देना है। अब यहाँ जब जिस डेट तक आपको निकालना है वो डेट देना है, तो डेट यहाँ पे ओपन आइटम, क्लियर आइटम और ऑल आइटम, जिस डेट से जिस डेट, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1/6/2020 से 1 वीक का निकालते हैं, 07/06/2020।
फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहला काम हमारा डिस्प्ले का करना है। कॉन्सेप्ट आपको बताया कि पहला काम आपको ट्रांजेक्शन कोड देना है, फिर डिस्प्ले करना है। तो हमने डिस्प्ले में लगा दिया। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि डाटा बड़ा होता है कंपनी का, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए डाटा आपका डिस्प्ले हो गया। अब डिस्प्ले होने के बाद आपको थर्ड काम क्या करना है, लिस्ट में जाना है। लिस्ट में गए, एक्सपोर्ट में गए, सेम चीज़ करना है। फिर स्प्रेड शीट में क्लिक करेंगे कन्वर्ट करने के लिए एक्सेल के लिए। फिर कंटिन्यू करना है या इंटर करेंगे, दोनों सेम काम करते हैं। डेस्कटॉप पे सेव कर लिए, सेव, यस, एलाओ, एलाओ। ये देखिए एक्सेल में ये कन्वर्ट हो गया। अब एक्सेल में जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दूसरा भी दिखा दिए आपको जो जीएल को कैसे हम करते हैं। अब थर्ड दिखाते हैं आपको एक कस्टमर लेजर का। तो कस्टमर लेजर का जो टी कोड है FBL5 है। पहले टी कोड डाल दिए, फिर यहाँ के जिस कस्टमर का आपको निकालना है वो कस्टमर कोड डालना है। मैंने ये कोड डाल दिए, कंपनी कोड ऑलरेडी है। और यहाँ पे डेट दिखा दिए कि किस डेट से किस डेट तक चाहिए। 1/6 से हमने 24/6 तक लिए। फिर एग्जीक्यूट किए, ये देखिए डिस्प्ले हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर लिस्ट में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, स्प्रेड शीट में जाना है। कंटिन्यू, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, सेव, यस, एलाओ, एलाओ। ये देखिए एक्सेल में ये कन्वर्ट हो गया। तो आपने कस्टमर लेजर का भी देख लिए, आपने इनवॉइस का भी देख लिए। और आपको एक मैं और दिखा देता हूँ, जैसे आपको वेंडर लेजर का देखना है। तो वेंडर लेजर का टी कोड है FBL1N। यहाँ पर आपको वेंडर कोड लिखना है, फिर आपको डेट देना है। या ओपन आइटम में ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें कुछ डाटा नहीं आ रहा है। ऑल आइटम में देखिए, ये देखिए इनका डिस्प्ले हो गया। अब इसी चीज़ को क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है। तो लिस्ट में जाना है, एक्सपोर्ट करना है, फिर स्प्रेड शीट में जाना है। कंटिन्यू करना है, डेस्कटॉप पे सेव, सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, यस, एलाओ, एलाओ। ये देखिए आपका एक्सेल में ये कन्वर्ट हो गया। अब एक्सेल में आप जो भी अपना करना चाहें वो सुविधा अनुसार मॉडिफिकेशन, डिलीशन, जो भी फॉर्मेट सब कुछ कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में आप करते हैं। तो हमने आपको जो है सो चार चीज़ दिखाया है अभी एग्जांपल के लिए। एक तो मैंने लेजर कैसे, आप कस्टमर लेजर कैसे देखते हैं, उसको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपको मैंने इनवॉइस रिपोर्ट को भी दिखा दिया। उसके बाद आपको हमने जो है सो वेंडर का दिखा दिया, लेजर का, सेल्स का। मतलब ये है कि सब जगह आपने क्या देखा, आपने ये देखेंगे देखे होंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। जो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन, जो भी प्रोसेस का आपको जो रिपोर्ट निकालना है उसका ट्रांजेक्शन कोड डालना है। सेकेंड आपको उसको डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले करने के बाद सेम आपको सब जगह यूज होगा। लिस्ट में जाना है, फिर आपको उसको एक्सपोर्ट करना है, फिर स्प्रेड शीट में जाना है, और फिर उसको कंटिन्यू करके एक्सेल में कन्वर्ट कर लेना है। तो सारे रिपोर्ट में मैक्सिमम जगह यही कॉन्सेप्ट SAP के अंदर में होता है। तो ये चीज़ आप आसानी से कोई भी रिपोर्ट, कोई भी डाटा SAP से डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज के वीडियो हमने इसी एक्सपोर्ट, डिस्प्ले और एक्सेल कन्वर्ट से रिलेटेड आपको सिखाने के लिए बनाया है। तो हमें आशा है कि आप आसानी से ये वीडियो देखने के बाद सीख सकेंगे। और
हमारा और भी बहुत सारा SIP से रिलेटेड बहुत सारे हमारे अकाउंट से आप ज्ञान चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे आप विजिट करें, स्टेप बाय स्टेप देखें और उसको प्रैक्टिकल करें तो आसानी से आप SIP सीख सकते हैं। तो अब आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।